प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आप सबका होली गोस्ट प्रोडक्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को। आज का वचन जो कि परमेश्वर के दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है, परमेश्वर की मर्जी के लिए प्रार्थना करें। पहला सैमुएल 1:11 आयत में लिखा है, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। मेरे प्रियो, कलीसिया का काम चर्च में आकर सिर्फ आशीष को लेना या वचन को सुनना ही नहीं है। कलीसिया का काम यह भी है कि जो परमेश्वर का आत्मा अपने दास के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा आपको बता रहा है, उसके लिए प्रार्थना करना। क्योंकि जब आप परमेश्वर की मर्जी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपका फायदा भी उसी के अंदर होता है। बाइबल में जब हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं, तो लिखा है कि वह बहुत रोई, कुड़कुड़ाई और उसने खाना पीना छोड़ दिया था, लेकिन उसका फिर भी कोई बच्चा नहीं हुआ। लेकिन जब हन्ना को समझ आई कि परमेश्वर को एक दास चाहिए और मुझे एक बेटा चाहिए, तब उसने एक मन्नत मानी कि परमेश्वर, अगर आप मुझे बच्चा देंगे तो मैं उसको आपके कामों के लिए दे दूंगी। उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना की और फिर परमेश्वर ने उसको बेटे के साथ आशीषित किया। और जब उसने अपनी मन्नत को पूरा किया, तो परमेश्वर ने उसको और बच्चों के साथ भी आशीषित किया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की मर्जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, और जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं, तो फिर आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं। जिस तरह हन्ना ने परमेश्वर की आशीष को पाया, आज कुछ लोग आशीष तो लेना चाहते हैं, लेकिन कभी भी यह प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर, मेरे जीवन में आपकी क्या मर्जी है। वह कभी भी परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चलते। परमेश्वर उनको कुछ और व्यापार देना चाहता है, लेकिन वह अपनी मर्जी के अनुसार कुछ और ही काम करते हैं और उसी के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर अपने दास के द्वारा, सपनों के द्वारा उनको कुछ बताता है, तो वह उसको नहीं समझते और अपनी ही मर्जी करते हैं। फिर वह बोलते हैं कि परमेश्वर, मुझको आशीष क्यों नहीं करता। मेरे प्रियो, जैसे हन्ना ने समझा कि परमेश्वर को एक दास चाहिए और उसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया और परमेश्वर की आशीष को पाया, उसी तरह आप भी परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आपका पहला प्रार्थना का विषय यह होना चाहिए कि परमेश्वर, आपकी जो भी मर्जी मेरे जीवन में है, उसे अपने दास के द्वारा मुझ पर जाहिर करें। जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मांगेंगे और परमेश्वर के वचनों पर चलते जाएंगे, तो परमेश्वर धीरे धीरे आप पर अपनी मर्जी को जाहिर करेगा और आपको अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। आमेन। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मेरे जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर करें और अपनी मर्जी को मेरे जीवन में पूरी करें, ताकि मैं आपके कामों को कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन।
आमीन आमीन।